हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक। तो जीएस का सबसे वास्ट सेक्शन होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स, और सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि करंट अफेयर्स जीएस में 40% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है जीएस को तैयार करने का, उस सीरीज में पहले हम लोग करंट अफेयर्स को ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा पढ़ने में भी एग्ज़ाम में जो 30 से 40 क्वेश्चन करंट के आते हैं वो क्वेश्चन उनको जाने पहचाने से नहीं लगते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो जो बन है, जो सीरीज़ अब करंट अफेयर्स की चलेगी, वो गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है पीआईबी की, मिनिस्ट्री वाइज वन लाइनर भी करेंगे। एक दिन हम लोग वन लाइनर करेंगे और एक दिन मिनिस्ट्री वाइज, जैसे कि मैंने कृषि मंत्रालय, इसके अलावा उद्योग मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, ये सब मंत्रालय, तीन मंत्रालय, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये चार मंत्रालय के पूरे करंट अफेयर्स की वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं करंट अफेयर्स की, ये चार वीडियो अपलोडेड है उसमें। तो इस सीरीज़ को हम लोग अलग कंटिन्यू करेंगे मिनिस्ट्री वाइज करंट अफेयर्स को, जो प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल होगा, इवन एसए के लिए और इंटरव्यू के लिए भी यूजफुल होगा। और जो दूसरी सीरीज चलेगी वो वन लाइनर की चलेगी, जो किसी भी प्री के एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज ये वन लाइनर वाला सीरीज है, पार्ट वन। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बीच बीच में लगेंगे ये तो बहुत आसान है, ये तो मुझे आते हैं, तो बहुत टफ क्वेश्चन को खोजने के चक्कर में आसान क्वेश्चन आप लोग गलत कर जाते हैं। तो जो क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं वही क्वेश्चन बताऊंगी, और आपको ये पूरा वीडियो देख करके याद करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जायमती वाहनी क्या है? पहला क्वेश्चन है, जायमती वाहनी जो है गुवाहाटी में केवल महिलाओं का आरपीएफ दस्ता है, उसका नाम रखा गया है जायमती वाहनी, गुवाहाटी आरपीएफ दस्ता। दूसरा क्वेश्चन फटाफट से एकदम हम लोग स्पीड में करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको सिर्फ वन लाइनर करना है ताकि एग्जाम में आए तो आप गलत ना करिए। फौनी, फौनी क्या है? सभी को पता होगा कि भीषण चक्रवाती तूफान है, तो लेकिन फौनी से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या है कि ये इसका क्षेत्र क्या था? तो यह पूर्वी भूमध्य रेखीय, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, पूर्वी भूमध्य रेखीय, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा तट पे। और राज्य कौन कौन से इससे हुए? पुदुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तीन राज्य। अब इसमें लिंक करके आप क्वेश्चन, आपको क्या याद करना, और कौन कौन से चक्रवाती तूफान है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं? तो उसमें एक चक्रवाती तूफान है ओनिल, ओनिल कहाँ पे आया था? गुजरात में। दूसरा है फनूस, ये कहाँ था? केरल में, ठीक है। तीसरा है जल, ये कहाँ पे आया? महाराष्ट्र, ठीक है। और चौथा है लैला, लैला आया उड़ीसा 2010 में। और पांचवा है येन, येन आया तमिलनाडु में। तो आपके लिए ये पांच चक्रवाती तूफान इंपॉर्टेंट है, चौथा लैला उड़ीसा में और पांचवा येन तमिलनाडु में। तो ईयर किस किस समय आए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किस लोकेशन पे आया वो इम्पोर्टेंट है। ओनिल गुजरात, फनूस केरल, जल महाराष्ट्र, लैला उड़ीसा, येन तमिलनाडु में। तो ये दो क्वेश्चन आपको हमेशा ना क्वेश्चन के फॉरवर्ड लिंक को भी तैयार करना है कि ट्रेडिशनली उससे क्या पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है माउंट अंगूंग, ये कहाँ, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इस बार चर्चा में रहा इसलिए याद कर लीजिए, ये इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आपको ज्योग्राफी का फॉरवर्ड लिंक करना है कि इंडोनेशिया में और कौन कौन से ज्वालामुखी हैं वो याद करना है आपको। मलेरिया का पहला वैक्सीन लॉन्च कहाँ पर हुआ? अफ्रीका में, मलावी में मलेरिया का पहला वैक्सीन लॉन्च हुआ है। फिर वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? 80वां स्थान है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 80 नंबर का स्थान है भारत का। अब है अगला क्वेश्चन, योग लोकेटर क्या है? अब मिनिस्ट्री वाइज मैं बताती जा रही हूँ, आप लोग याद करते जाइएगा।
ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 2019 में लोगों को प्रशिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योग कार्यक्रम और केंद्र का पता लगाने में सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, योग लोकेटर। तो योग लोकेटर क्या है? लोगों को योग प्रशिक्षण देने का पता लगाने के लिए उसके केंद्र का योग लोकेटर, ये है केंद्रीय आयुष मंत्रालय का ऐप है, ये एप्लीकेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इसके बाद क्राइस्टर्च कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन ये क्या है? ये जो है 2019 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2019 में ऑनलाइन आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध लड़ने और इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए एक वैश्विक पहल की गई है। इसका नाम रखा गया है क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। तो अगर ऑप्शन आएगा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ऑनलाइन आतंकवाद को रोकने के लिए होगा आपका ये। इसके बाद क्या है? अल नगाह थ्री क्या है? अल नगाह थ्री, ये भारत और ओमान का शाही सेना के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है। तो किस देश के बीच है? भारत और ओमान। ठीक है, जब आप इसमें जाइएगा ना, इंटरनेशनल रिलेशन में, पीआईबी के मिनिस्ट्रीज में, तो आपको ये बहुत सारे सैन्य अभ्यास मिलेंगे। तो आप लोग क्या करने लगते हैं, सारे के सारे सैन्य अभ्यास को रटने लगते हैं। आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें से कौन सा आएगा। तो मैं आपको वही सैन्य अभ्यास, वही जैसे अगली वीडियो जो मैं बताऊंगी, वो कौन कौन सी योजनाएं इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी, क्योंकि योजना बहुत अनलिमिटेड होती है। उसी तरह से कौन कौन से सैन्य अभ्यास है वो एक एक करके छांट के मैं बताऊंगी। जैसे कि ये भारत ओमान का अल नगा थ्री जो है सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है फिनटेक कॉन्क्लेव 2019, फिन टेक कॉन्क्लेव। फिनटेक कॉन्क्लेव क्या है? ये डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो नई दिल्ली में है, उसमें नीति आयोग ने इस सभा का आयोजन किया था, फिनटेक कॉन्क्लेव, नीति आयोग ने। अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है आपदा से रिलेटेड, तो इसको कौन सा मंत्रालय करता है? आई डब्ल्यू डी आर आई इसका आयोजन किया गया है। इसको ये है बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है, तो ये जो है आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा पे किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय के द्वारा। ये इस बार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है? धारा 126 क्या है? धारा 126, तो धारा 126 ये निर्वाचन आयोग ने 2019 को एक अधिनियम पारित किया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा के अंतर्गत मतदान के 48 घंटे के पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई। तो ये था धारा 126, मतदान के जब होगा उसके 48 घंटे पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं हो सकता है, उस पर रोक लगा दी गई। इसके बाद आई हेल्प क्या है? आई हेल्प, ये आई हेल्प जो है, ये भी 2019 में, सारा जनवरी 2019 से आपको बता रही हूँ सारा कुछ। ये जो लोकसभा चुनाव हुआ ना, उसमें डिजिटल चुनाव साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प नामक एक पहल शुरू किया गया। तो वो कौन सा राज्य जिसने आई हेल्प नामक पहल शुरू की डिजिटल चुनावी साक्षरता के लिए? वो है असम। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस बार के चुनाव से रिलेटेड है। अब किस अलगाववादी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया 2019 में? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी आप लोग जान लीजिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF, JKLF। अब आगे का क्वेश्चन गतिमान एक्सप्रेस के बारे में है। गतिमान एक्सप्रेस जो है वो इस बार चर्चा में रहा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये बेसिकली जानवरों से रिलेटेड रिलेशन के कारण गतिमान एक्सप्रेस फेमस रहा, क्योंकि हाथियों के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए 2019 में रेलगाड़ी की सीट पर हाथी की सवारी नहीं करने का संदेश मुद्रित किया गया था गतिमान एक्सप्रेस में। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान सकते हैं आप लोग।
इसके बाद सौर चालित विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। तो ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, सौर चालित विलवणीकरण संयंत्र कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अब आगे का क्वेश्चन मिनिस्ट्री में देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक क्वेश्चन है जो मैंने अपने उद्योग में भी शायद बताया होगा कि किस मंत्रालय के द्वारा 2019 को स्कूली छात्र और जीआई वेबसाइट के लिए ट्यूटोरियल वीडियो लॉन्च किया गया? तो वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ट्यूटोरियल वीडियो लॉन्च किया गया जीआई वेबसाइट के द्वारा। इसके बाद इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है? ये पर्यावरण मिनिस्ट्री की न्यूज़ है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP, ये इस बार के मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन घटाने के लिए ये योजना जारी कर रही है। जैसे कि जो रेफ्रिजरेटर है, एसी है, उससे जो उत्सर्जन होता है ना उसको कम करने के लिए, और सारे लोग को कूलिंग प्लान के अंतर्गत लाना है, इसके लिए लाया गया है ICAP पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है NID राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID, ये मैंने लास्ट में उद्योग वाले में भी बताया था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है उद्योग मंत्रालय का है और इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश और जोरहाट असम में NID का। आपने अगर उद्योग का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें भी मैंने इसको इम्पोर्टेंट बताया है। इसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम ने 2019 को किस शहर में हीट वेव 2019 नामक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया? हीट वेव 2019 राष्ट्रीय कार्यशाला ये नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक नया रेलवे जोन की स्थापना की घोषणा की गई है कहाँ पर? रेल मंत्री ने की है 2019 में आंध्र प्रदेश में। किस नाम से? दक्षिणी तट रेलवे, दक्षिणी तट रेलवे। तो आपको रेलवे जोन्स पूरे याद होने चाहिए इसमें क्योंकि ये नया रेलवे जोन हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है युवा विज्ञानी कार्यक्रम से रिलेटेड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। चूंकि ये गवर्नमेंट का है इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है स्पेशली UPSC के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड है, स्वायत्त क्या है? ये पंचायत और नगर चुनाव में उम्मीदवारों के लिए लागू न्यूनतम शिक्षा मानदंड से रिलेटेड, सॉरी स्वायत्त जो है ये है आपका उद्योग मंत्रालय का नई पहल है स्वायत्त। किस मंत्रालय से रिलेटेड है आपको ये याद करना है। और जो मैं आपको पंचायत और नगर चुनाव उम्मीदवारों के लिए लागू न्यूनतम शिक्षा मानदंड को समाप्त किया गया है, मतलब पंचायत और नगर चुनाव में उम्मीदवार के लिए कोई न्यूनतम शिक्षा मानदंड नहीं होगा, उसको समाप्त करने वाला राज्य कौन सा हुआ है? वो है राजस्थान। अब आगे का क्वेश्चन है प्रणाम PRANAM PRANAM प्रणाम क्या है? ये जो है अभिभावक यानी कि माता पिता जिम्मेदारी और जवाबदेही तथा निगरानी नियम है पेरेंट्स का। इस आयोग का शुरुआत किया गया है असम में, ये एक तरह से एक आयोग बनाया गया है असम में, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की साइट में दिया गया है इसलिए प्रणाम इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद है अखिल भारतीय नंबर लॉन्च किया गया है आपदा स्थिति से सूचित करने के लिए, वो नंबर क्या है? तो वो नंबर है 112 और उसमें कितने राज्य उस सूची में हैं? अब पहले 16 थे और अब 20 राज्य हो गए हैं 112 के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लेडीज क्या है? LADIS लेडीज एक पोर्टल है, ये अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है उसका नया पोर्टल शुरू किया गया लेडीज पोर्टल, ठीक। फिर इसके बाद है DD अरुण प्रभा क्या है? DD अरुण प्रभा, DD अरुण प्रभा क्या है? ये शुरुआत किया गया दूरदर्शन चैनल के द्वारा, किस राज्य में शुरू किया गया है?
ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, डीडी अरुण प्रभा, तो अरुण नाम से आपको अरुणाचल प्रदेश याद रहेगा। अब है इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, ये भी 2019 का ही है कि किस अभियान का 8वें चरण का शुरुआत किया गया, तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान। आजकल स्कूल्स में दवाई पिलाई जा रही है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान, ये कृमि, ठीक है, ये जो बच्चों के पेट में बैक्टीरिया होते हैं ना, जर्म्स होते हैं, उनको मारने के लिए मुक्ति दिवस अभियान शुरू किया गया। इसका 8वां चरण शुरू हुआ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस इम्पोर्टेंट है। वंदे भारत एक्सप्रेस का सब लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ है, दिल्ली से काशी तक के लिए। फिर समानता एक्सप्रेस इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, क्योंकि पर्यटन ट्रेन है ये, नागपुर से शुरू की गई है समानता एक्सप्रेस। इसके बाद कौन सा निजी क्षेत्र, कौन सा वो है बैंक जिसको आरबीआई ने निजी क्षेत्र की श्रेणी में डाल दिया, ये है आईडीबीआई बैंक, जिसको अब निजी क्षेत्र में आरबीआई ने डाल दिया। ये सब जो है ना बैंकिंग के न्यूज़ और भी जगह आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो भी गवर्नमेंट की साइट्स में दिया हुआ ना, अगर वो छूट जाता है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी जो आप लोग कर रहे हैं, फिर वो तैयारी अधूरी रह जाती है आपकी, इसलिए मैंने वहाँ से छांट करके ये न्यूज़। वैसे तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे, जो भी आप मैगजीन्स उठा के पढ़िएगा उसमें आर्थिक में आपको बड़े 10-10 15-15 पेज के आर्थिक न्यूज़ मिलेंगे, पर उतना पढ़ने के बाद भी अगर आप क्वेश्चंस एग्जाम में आपको समझ नहीं आते हैं तो फिर आपका पढ़ना बेकार हो जाता है, तो इसलिए सेलेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 1 सेकेंड का टाइम निकाल के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कैसी लगी वीडियो, यूज़फुल लगी कि नहीं लगी, और अगर नए यूज़र हैं तो आगे वीडियो अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। NCMC नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ये नरेंद्र मोदी जी ने 2019 को शुरू किया। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड किस राज्य में, किस शहर में शुरू किया गया, गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया गया ये। इसके बाद है PMJAY। PMJAY क्या है, ये एक मोबाइल ऐप है, इसको जारी किया गया, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने जारी किया गया है एक मोबाइल ऐप इस प्रोग्राम के लिए, PMJAY के लिए। इसके बाद है जो वो हुआ था भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 106वां विज्ञान कांग्रेस, उसके बारे में ये न्यूज़ है कि उसमें कौन सा नारा दिया गया। तो नारा आप लोगों को सबको पता होगा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, लेकिन इस बार के उसमें जो नया ऐड किया गया वो उसका नाम है जय अनुसंधान। लेकिन इसके अलावा आपके लिए विज्ञान कांग्रेस से जुड़े और भी सवाल इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप आपने राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की तैयारी कर ली होगी, पहले से ही पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपने विज्ञान कांग्रेस की अगर नहीं पढ़ी है तो आप फिर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में गलत कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस 106 जो हुआ था उसको आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ, जालंधर। इसके बाद इसमें प्राइड ऑफ इंडिया नामक प्रदर्शनी आयोजित की गई, मेटल मैग्ना नामक 55 फीट का ऊंचा रोबोट लाया गया, और इसमें जो दिया गया नारा वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ये हो गया भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां अधिवेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए जानकारी जानना ज़रूरी था वो। अब कैप्टन शिखा सुरभि, ये क्या क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ये पहली महिला हैं जिन्होंने जो गणतंत्र दिवस का हुआ था परेड उसमें पुरुष साथियों के साथ बाइक स्टंट दिखाने वाली पहली महिला बनी, कैप्टन शिखा सुरभि, ठीक। इसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या थी इस बार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ ऑफ गांधी से रिलेटेड थी, तो इसलिए इस बार का थीम इंपॉर्टेंट है, लाइफ ऑफ गांधी। फिर अगला क्वेश्चन है सी विगल, SEAVIGIL, ये क्या है, ये भारतीय नौसेना और तटरक्षक द्वारा 2019 में देश का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभियान अभ्यास हुआ है, उसका नाम है सी विगिल, ये सबसे बड़ा है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना और तटरक्षक के द्वारा देश का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभियान शुरू किया, अभ्यास हुआ था। इसके बाद क्या है, जल चर्चा,
जल चर्चा क्या है, ये मासिक पत्रिका है मंत्रालय की, कौन से मंत्रालय की, तो जल संसाधन मंत्रालय की। इसके बाद है मानव संसाधन मंत्रालय का एक न्यूज़ कि नवोदय विद्यालय में सीटों को बढ़ाकर घोषणा की गई है, तो कितनी सीटें कर दी गई है, 5,000। तो बेसिकली आज का जो भी वन लाइनर था वो नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड था, मिनिस्ट्रीज से नेशनल से छांट करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अबाउट आपको मैंने कम से कम 30 से 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब अगला जो होगा वो इंटरनेशनल से रिलेटेड होगा, तो आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करने में पीछे रह जाते हैं। और अगर नए यूज़र और आगे भी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप और किसी मिनिस्ट्री से आपको कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचना आज क्रिएशन, करछी से कलम तक।